नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इंडोर प्लांट्स को सालों साल तक बचा के रख सकते हैं। थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने प्लांट्स में ज़रूर करिए। एक तो पानी आपको बहुत ही ध्यान से देना है। इंडोर प्लांट्स में पानी बहुत ही कम चाहिए। अगर आपने सेरेमिक पॉट में लगाए हैं पौधे तो आप 10-15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही कम पानी चाहिए इनको, क्योंकि इनमें धूप तो बिल्कुल भी लगती नहीं है और हवा भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है अंदर। तो इस हिसाब से आप अपने यहाँ का जैसा भी आपका वातावरण है उसको देखते हुए ही पानी दीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया है। आप अपने इंडोर प्लांट्स को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो रेगुलर उनकी सफाई ज़रूर करिए। अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो 1.5 महीने में 2 महीने में तो ज़रूर ही सारी पत्तियों को इस तरह से साफ़ करिए। अगर आपका खुला जगह है आपके पास तो आप इनको बाहर रखकर अच्छे से धो सकते हैं, बारिश में रख सकते हैं। बाहर बारिश पड़ती है तो 1-2 बारिश इंडोर प्लांट्स में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं रहती, तो हमें इस तरह से अपने प्लांट्स को साफ़ करना ज़रूरी है। देखिए आप कितनी ज़्यादा मिट्टी इनके ऊपर पत्तियों पर जम जाती है, जिसकी वजह से पत्तियाँ ख़राब दिखती हैं, दिखने में अच्छा नहीं लगता पौधा, और पत्तियों से पौधा सांस लेता है तो वो भी फिर पूरी तरह से हेल्दी नहीं रह पाता है। तो अगर हम टाइम टू टाइम पत्तियों को साफ रखते हैं तो पौधा दिखने में तो सुंदर लगेगा ही, पौधे की ग्रोथ पर भी आपको काफ़ी असर दिखाई देगा। आप देखिए कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी निकली है, पूरा मेरा कपड़ा ख़राब हो गया है और पौधों पर अभी बहुत अच्छी चमक आ गई है, सभी साफ़ हो गए हैं। दूसरा जो काम है जो हमें करना चाहिए साथ के साथ, जो भी पत्ती पीली हो रही है या फिर जली जली सी हो रही है या फिर कहीं कोई कीड़ा लगा है तो उस पत्ती को हटा दीजिए। जो भी नीचे से ऐसे ब्राउन हो जाती हैं पत्तियाँ उनको आप कट कर दीजिए, तो दिखने में पौधा सुंदर भी लगेगा और अगर किसी भी तरह का कोई रोग है तो वो पूरी पत्तियों पर नहीं फैलेगा। पीली पत्तियाँ भी हमें तुरंत हटा देनी चाहिए। कभी कभी किसी बीमारी की वजह से भी ये इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं और ज़्यादातर तो ये पानी से ही होती हैं। तो ऐसे हमें अगर इस पौधे को छोड़ते हैं तो वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप इस तरह से इनकी पत्तियों को थोड़ा थोड़ा शेप में कट कर दीजिए। अगला जो काम है वो है गुड़ाई करना पौधे की, उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो मैं 2 तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और एक तीसरा भी है, तीनों मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, जो आप इंडोर प्लांट्स में दे सकते हैं। गुड़ाई तो आप हर 10-15 दिन में करते रहिए पौधों की, और गुड़ाई करते समय देखिए मिट्टी ऐसी रहनी चाहिए, गीली ना हो बहुत ज़्यादा। और अभी गुड़ाई करने के बाद एक दिन आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी में हवा निकल जाए अच्छे से, उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। दूसरे प्लांट में भी मैं इसी तरह से गुड़ाई कर लूँगी। सेरेमिक पॉट में जब प्लांट्स लगे होते हैं तो उनमें तो बहुत ही बढ़िया काम करती है, बहुत ज़रूरी है गुड़ाई करना, क्योंकि रूट्स को थोड़ा हवा मिल जाती है, क्योंकि बाहर से तो बिल्कुल हवा आती नहीं है सेरेमिक पॉट में, तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है और फर्टिलाइज़र देने से पहले तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे से गुड़ाई करके एक दिन अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो अपने गमले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट्स में डाल दीजिए और मिट्टी में मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद है, इंडोर प्लांट्स में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप इससे पा सकते हैं। अगर आपके पास घर की बनाई हुई अच्छी कंपोस्ट है, बिल्कुल बढ़िया बनी हुई, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं ज़्यादातर ये वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इनमें यूज़ करती हूँ वो है सीविड फर्टिलाइज़र। सीविड फर्टिलाइज़र ऑनलाइन मिल जाता है, एक बोतल आती है लिक्विड फर्टिलाइज़र की और बहुत ही कम लगता है, तो ये आप इंडोर प्लांट्स में दे सकते हैं। इस तरह से देने के बाद पानी दे दीजिए बस, और फर्टिलाइज़र हो गया। ये सीविड फर्टिलाइज़र है जिसको बस 2-3 ग्राम लेना होता है और 1 लीटर पानी में मिक्स करके हम अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंपोस्ट टी बनाकर भी अपने इंडोर प्लांट्स में दे सकते हैं। फिर देखिए इंडोर प्लांट्स कैसे सालों साल अच्छे से चलते हैं। बस पानी आप बहुत कम दीजिए, ज़्यादातर हमारे इंडोर प्लांट्स पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। इंडोर प्लांट्स में बहुत ही कम पानी चाहिए, आप कम पानी देकर देखिए, जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिए। कितना भी मौसम कैसा भी हो, 1 हफ्ते से पहले तो पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है,
और इस तरह से अपने प्लांट्स की सफाई ज़रूर करिए। और फर्टिलाइज़र देने का ये अच्छा टाइम है, इसके बाद तो आप चाहें तो अक्टूबर में एक बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, उसके बाद फिर फरवरी में ही दीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।